हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज हम बात करेंगे एंट ऑडियो के वेव स्पोर्ट्स 535 के बारे में। ये ईयरफोन्स रिसेंटली लॉन्च किए हैं एंट ऑडियो ने। काफी कुछ मेंशन किया हुआ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद हम जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसके साथ क्या क्या मिलता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, तो फ्रेंड्स सच बताऊं तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी मजेदार नहीं लगी। बहुत ही सस्ता टाइप का लगता है, मींस जो फिनिशिंग है फिनिशिंग भी ढंग की नहीं है। जैसे मेरे वाले में तो मैंने देखा था यहाँ पर जैसा कुछ प्लास्टिक का पार्ट जैसे घिसा हुआ है, अजीब सा लग रहा था। तो मींस उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है, बहुत ही चीप क्वालिटी का फील होता है। इवन की वायर्स भी अजीब तरह की है, बहुत सस्ता सा फील होता है। और ये जो निकल प्लेटेड है ना, ये जो प्लास्टिक के ऊपर कुछ निकल प्लेटिंग दिख रही है आपको, ये भी उतनी अच्छी नहीं है। ये ऐसा फील होता है जैसे कि मतलब बहुत ही चाइनीज प्रोडक्ट है, मीन्स 200-300 रुपए का प्रोडक्ट ऐसा फील होता है। इसके बाद एक और बात आपको फ्रेंड्स में बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इन्हें परचेस किया था, तो जब मैं अमेजोन पे देख रहा था तो इस पे काफी कुछ मेंशन था, जैसे कि एप्टेक्स वगैरह मेंशन था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं था, सब झूठ है। मैंने एंट ऑडियो की साइड में भी चेक किया, उन्होंने अभी तक वहां मेंशन किया हुआ कि इस पे एप्टेक्स है, लेकिन फ्रेंड्स इस पे एप्टेक्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं आगे वीडियो में। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू एंट ऑडियो उन्होंने इस पे कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 यूज किया है, ब्लूटूथ 5.0 चिप पे। इस पे स्टेबिलिटी तो सही है, डिस्टेंस भी सही था, 10 मीटर तक ठीक काम करते हैं, कोई लॉस नहीं होता है, सिग्नल लॉस नहीं होता है। अब अगर बात करते हैं कोडेक्स की, तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ SBC सपोर्ट करते हैं, इवन AAC भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप ये देख के खरीद रहे हो कि एंट ऑडियो ने काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ इनके बारे में कि SBC के अलावा AAC और एप्टेक्स भी है, तो वो नहीं है फ्रेंड्स, ओनली SBC है इनमें। तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, इसका जो ये डिज़ाइन है ना, इन्होंने थोड़ा सोनी का कॉपी किया है। सोनी के वायर्ड ईयरफोन्स आते हैं MDR-X55 और X75, उनसे कॉपी किया हुआ, उनका भी थोड़ा डिज़ाइन इस तरह का ही रहता है। बर्ड्स का मैग्नेटिक है, तो ये ऑप्शन है मैग्नेटिक का, लेकिन ये ऑन ऑफ वगैरह कुछ नहीं होता मैग्नेट से, सिर्फ और सिर्फ ये आपको नेक पे लगा के घूमने के काम आएंगे बस। तो इनमें जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 160 mAh की। तो अकॉर्डिंग टू एंट ऑडियो उन्होंने जो रेटेड बैकअप बताया वो है 10 घंटे का, और मैंने अपनी टेस्टिंग में जैसे यूज़ किया, मैं अराउंड 50% वॉल्यूम में इसे यूज़ किया, तो मुझे 8.5 घंटे का बैकअप मिला था। मुझे 8.5 घंटे तक मैं लगातार इसे म्यूजिक में यूज़ कर पाया था। इसके बाद अगर इसे आप चार्ज करते हो तो आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे इन्हें फुल चार्ज करने के लिए। फुल चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, 2.5 घंटे, और कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको फुल चार्ज करेंगे 2.5 घंटे। इसके बाद अगर बात करते कोई वाटर प्रूफ रेटिंग है फ्रेंड्स, नो, इसमें कोई वाटर प्रूफ रेटिंग नहीं है, कोई भी IPX सर्टिफिकेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है साउंड क्वालिटी। तो इनमें जो ड्राइवर इनबिल्ट है वो है 10 mm के ड्राइवर्स है, कुछ मेंशन नहीं है और न्यूडाइमियम है कि क्या है, लेकिन 10 mm के ड्राइवर्स मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स जब मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम यूज़ किया ना, तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, बहुत अजीब सी साउंड थी, मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा था, जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा चीप प्रोडक्ट है, एकदम बहुत बेकार। लेकिन फिर मैंने क्या किया इन्हें ना, मैंने अराउंड 7-8 घंटे लगातार 70% वॉल्यूम में लगा के छोड़ दिया। तो उसके बाद जब मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी बेटर फील होते हैं, बेस काफ़ी अच्छा है, और मैंने हर तरह के सॉन्ग्स यूज़ ट्राई किए इस पर जो मैं नॉर्मली सुनता हूँ, मुझे सब में अच्छी बेस आई। प्रॉब्लम क्या है कि जो इनकी बेस है कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी गई है, जो वोकल्स है ना वो भी कभी थोड़े बूमी टाइप के आते हैं, कि अगर कोई कुछ बोल रहा है वो भी आपको बेस वाला टाइप का फील होगा, उसमें जैसे कुछ ज़्यादा मोटी आवाज़ आ रही है। रेटिंग्स की बात करें तो बेस में मैं इसे दे सकता हूँ आराम से 4.5 out of 5, बेस अच्छा बेस है। अब ट्रेबल्स एंड वोकल्स में मैं कम दूंगा 4.0 out of 5, क्योंकि ट्रेबल्स एंड वोकल्स उतने मज़ेदार नहीं है जैसा साउंड क्वालिटी होना चाहिए, वैसा नहीं है। बेसिकली इसमें आपको ना जो स्टीरियो इफेक्ट होता है ना, वो उतना अच्छे से प्रोनाउंस नहीं मिलेगा, सस्ते में आप काम चला सकते हो इनसे। एंट ऑडियो ने एक और चीज मेंशन की हुई है कि इनमें 3 इक्वलाइजर्स इनबिल्ट हैं, वो ऑटोमेटिक उन्होंने बोला है, कोई बटन से आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो मैंने तो ट्राई किया, मुझे कुछ खास फर्क पता नहीं चला, उसमें लिखा हुआ था ऑटोमेटिक, मीन सॉन्ग के हिसाब से अपना इक्वलाइजर मोड चेंज होता है। ट्राई करोगे तो मुझे बताना कमेंट्स में कि हाँ कुछ फर्क पड़ा आपको। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर बात करें कंफर्ट की, हाँ फ्रेंड्स कंफर्टेबल है, थोड़ा ये निकला रहता है कानों से ज्यादा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा निकला रहता है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है। तो ये हिस्सा थोड़ा सा निकला रहता है, थोड़ा बड़े हैं, देखिए फ्रेंड्स
ये काफ़ी बाहर निकले होते हैं। देखिए आपको लेफ्ट वाला भी दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हिस्सा थोड़ा बड़ा लगता है मुझे हिस्सा। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं माइक क्वालिटी में। तो एंटोडियो ने अगेन एक और चीज़ मेंशन की, इसमें CVC टेक्नोलॉजी है नॉइस रिडक्शन के लिए। पता नहीं उसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हाँ माइक ओके है फ्रेंड्स। मैंने इस पर बात की, माइक फिर भी अच्छा है। 700 रुपये का प्रोडक्ट में फिर भी माइक अच्छा है, मुझे 700 रुपये का पड़ा था। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ माइक टेस्टिंग कैसा है माइक इसका। तो फ्रेंड्स अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। तो अभी नॉर्मल रूम कंडीशन में हूँ, कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस कुछ नहीं है। तो आपको एक आइडिया होगा आवाज़ कैसी आती है। ओके माइक बहुत सही है, माइक इतना सस्ते में मैं फिर भी बोलूँगा अच्छा है माइक। तो अब मैं आपको बैकग्राउंड में कुछ ट्रैफिक नॉइजेस और एक क्लब की म्यूज़िक के बीच में बात करके दिखाऊंगा कि आवाज़ कैसी आती है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी क्लब में हो और आपके बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए बहुत सारी लाउड म्यूज़िक बज रही है, तब किसी से बात करते हो तो देखिए आप कैसे बात कर सकते हो, आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है कोई आइडिया हो रहा। मैंने बैकग्राउंड में क्लब का म्यूज़िक लगाया हुआ है, क्लब में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स तो आपको आइडिया हो रहा होगा नॉइस कैंसिलेशन है नहीं है, कैसी आवाज़ हो रही है, कैसी साउंड जा रही है, आपको आइडिया हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब अगर मान लीजिए मैं ट्रैफिक में हूँ कहीं पर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया होगा इसका माइक कैसा काम करता है। मैं मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वाले इलाके में हूँ, काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो तो आपका आवाज़ कैसे जा रही है। तो ये है ट्रैफिक कंडीशंस में माइक। तो माइक फिर भी सही है फ्रेंड्स, आवाज़ अच्छी खासी जाती है, माइक इतना भी ख़राब नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था माइक टेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें पेयर कैसे कर देते हैं फ़ोन के साथ और आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। आप जब इसे ऑन करोगे तो अपने आप पेयरिंग में चल जाएंगे। देखिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ, जो ऑन हो गए हैं अब देखिए, जैसे ही रेड लाइट और ब्लू लाइट एक साथ ऐसे फ्लैश करते रहेंगे डेट मीन्स ये पेयरिंग मोड में है। तो अब हम इन्हें पेयर करेंगे, तब जाएंगे अपने फ़ोन पे, अब जाके जब सर्च करेंगे देखिए एंड ऑडियो वेव स्पोर्ट्स 435 नज़र आ जाएंगे। सिंपली आपको टैप करना है, जैसे नॉर्मली कनेक्ट करते हैं, अलाउ करने बोलेगा, सिर्फ SBC है और कोई ऑप्शन नहीं है आपको चेंज करने का। देखिए तो पहला कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ गूगल असिस्टेंट, उसके लिए आपको क्या करना है, जो पावर बटन है इसे प्रेस करके रखना है 2 सेकंड्स के लिए, उसके बाद छोड़ देना है। देखिए गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया, तो गूगल असिस्टेंट ऐसे आता है। वैसे अगर पावर बटन को दो बार प्रेस करोगे तो लास्ट कॉल जो भी आपने डायल किया है वो कनेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट कॉल जो भी था वो कनेक्ट हो जाएगा। तो म्यूज़िक कंट्रोल्स में यही बीच वाले बटन से जो पावर बटन है प्ले पॉज होगा। देखिए तो फ्रेंड्स अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग सुनना है तो आपको सिंगल टैप करना है। देखिए वॉल्यूम अप को सिंगल बार प्रेस करेंगे नेक्स्ट होगा, और वॉल्यूम माइनस को सिंगल बार प्रेस करेंगे तो प्रीवियस होगा। देखिए बहुत इजीली बैक हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसे प्रेस करके रखना है, वॉल्यूम घटाने के लिए माइनस वाले को प्रेस करके रखना है। ये कंट्रोल्स है आपके पास, कंट्रोल्स बहुत इजी है, सिंपल से कंट्रोल्स है। अब अगर आते हैं कि क्या मैं ये रिकमेंड करता हूँ, तो फ्रेंड्स अगर 700-800 रुपये में मिलते हैं तो आप जा सकते हो इनके लिए, लेकिन अगर ये 1000 रुपये से ऊपर है तो नहीं, फिर फ्रेंड्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। 1000 रुपये से ऊपर आपको और अच्छे से मिल जाएंगे। एप्टेक्स नहीं है फ्रेंड्स, गलती मत करना, एप्टेक्स वगैरह रॉन्ग लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, रॉन्ग लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये था फ्रेंड्स मेरा छोटा सा वीडियो इन एंट ऑडियो वेव स्पोर्ट्स 535 के बारे में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।